और सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये पागल हो चुके हैं, इनको संविधान को पढ़ना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये देवदासी की प्रथा दोबारा चलाना चाहते हैं। ये वो प्रथा थी कि वो मंदिर की मूर्ति से छोटी बच्चों की शादी करा देते थे, और जो ब्राह्मण हुआ करता था, जो ब्राह्मण हुआ करता था वो उसके साथ रेप करता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको वो हरिजन बोला करते थे। उस पर धीरेंद्र पर पर्ची नहीं निकाली गई, अपने भाई की पर्ची निकाल लेते। और मेरा ये भविष्यवाणी है, मैं भी भविष्यवाणी करने लगा हूँ आज तक उसको देख के 23 साल के आदमी को, कि वो जेल जाएगा जैसे आसाराम गया, जैसे राम रहीम गए, वो भी जेल जाएगा, देखना उसका भाई तो जेल जाने वाला है। कोई धर्म नहीं है और सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ये पागल हो चुके हैं, इनको संविधान को पढ़ना चाहिए। और पूरा संविधान भी नहीं पढ़ना आया तो कम से कम प्रीएम्बल पढ़ लीजिए, जो प्रीएम्बल स्पेशल संविधान की बात कर रहे हैं वो घोषित करने वाले हैं। देखिए, इनके घोषित करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसका एक प्रोसीजर होता है कोई भी चेंज करने का, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। अमेंडमेंट करने का एक प्रोसीजर होता है, उसमें सब लोगों की भागीदारी होती है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को नहीं परिवर्तित कर सकते हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता हो। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चीज वॉयलेट करती है तो आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते आप। तो ये आपको क्या ये माहौल बना रहे हैं, देखिए ये माहौल बना रहे हैं 2024 के लिए, दिक्कत बताऊं ना, ये 2024 के लिए माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाकर ये लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और एक झूठा डर दिखाना चाहते हैं मुसलमान के खिलाफ कि मुसलमान हमारा विरोधी है। जबकि इनकी ये इतिहास रहा है कि अपनी बहन बेटियों की जो शादी करी है वो उन लोगों से किया, आज भी कर रही है। तो ये झूठा डर दिखाने का। अंबेडकर वादे क्यों विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब देश संविधान, जब देश आजाद हुआ और आजाद देश में संविधान लागू हुआ, तो इनके पूर्वजों ने बहुत ताकत लगाई थी कि देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। उस पर वोटिंग हुई तो देश का नाम हुआ, आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो उसमें कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, तो ये हिंदुस्तान नहीं है पहली बात, तो ये भारत और इंडिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये भगवान के नाम से स्टार्ट होना चाहिए। फिर उस पर वोटिंग हुई तो भगवान के नाम से स्टार्ट नहीं हुआ, विद द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट हुआ। तो वहां भी इनके पूर्वज हार चुके थे। आज ये है सर, आज साधु संत मुख्यमंत्री मंत्री ये सब कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये देवदासी की प्रथा दोबारा चलाना चाहते हैं, ये जोगनी की प्रथा फिर दोबारा चलाना चाहते हैं। मंदिरों में जो रेप करते थे दलितों की बेटियों के साथ में, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल 100% गंभीर नहीं है, ये सच्चाई में बता रहा हूँ। आप इनके इतिहास उठा के देखिए, देवदासी, प्रभुदासी, जोगनी प्रथा क्या थी? ये वो प्रथा थी कि वो मंदिर की मूर्ति से छोटी बच्चों की शादी करा देते थे, और जो ब्राह्मण हुआ करता था, जो ब्राह्मण हुआ करता था वो उसके साथ रेप करता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको वो हरिजन बोला करते थे। ये परंपरा इस देश में रही है और अभी ये परंपरा खत्म हुई है, फिर दोबारा इस परंपरा को लाना चाहते हैं। और एक परंपरा इस देश में रही है कि एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा, एक करेगा व्यापार, और बहुत सारे लोग सेवा करेंगे। मगर हमारी जो परंपरा है, जो बाबा साहब की परंपरा है, जो बुद्ध की परंपरा है, जो कबीर की परंपरा है, जो रविदास की परंपरा है, वो है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, और सब सबकी सेवा करेंगे। ऐसा है भारत महान, तो ऐसा भारत चाहिए ना सनातन में। देखिए, आज संविधान से क्या प्रॉब्लम है इनको, आपको पूछना चाहिए ना। आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र से क्या प्रॉब्लम है, उनको भी तो पूछिए कि आपको संविधान से क्या प्रॉब्लम है। बाहर के सब क्यों नहीं आती, 70 साल से वैसे ही देश चल रहा है, 70 साल से वैसे ही देश चल रहा है। एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, एक महिला को जिसको पैर की जूती समते हैं इनके जो वह ग्रंथ है उनको कॉपी किया हुआ संविधान है। कौन कहता है, अब ये पढ़े, विदेशों से कोई कॉपी नहीं किया गया है। अगर सच्चाई, अगर फंडामेंटल चीज किसी देश ने पहले अगर लागू कर ली जाएंगी तो क्या उससे हम कोई सबक नहीं ले सकते, क्या उससे हम कोई राय नहीं ले सकते? बनने नहीं देंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना था पहले, ना कभी बनेगा। इस देश में अखंड भारत है, ये भारत का संविधान चलता है। जब तक भारत का संविधान जिंदा है, जब तक हमारे अधिकार जिंदे हैं, इस देश के लगभग 97% लोगों के अधिकार जिंदे हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो आप देख लेना, मनुस्मृति को लेकर आएंगे, और मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ था जो IPC रिप्लेस किया गया था, पहले वो मनुस्मृति था, और मनुस्मृति में इंसान को इंसान नहीं समझा गया, वहाँ भेदभाव हुआ करता था। ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण, इनके मनुस्मृति में ऐसी बना रखा है। आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, देखिए कोई तोड़ने का काम नहीं कर रहा, भारत के संविधान को मानने का काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को अखंड देश बनाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत ही सशक्त संविधान दिया है, जो संविधान से सारा देश चलता है। जितनी भी परंपराएं हैं देश के अंदर,
वो जो पहले परंपरा थी वो सब खत्म हो चुकी है संविधान के आने के बाद में। आर्टिकल 13 ए वाली बात करता है। अब ये हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग फिर दोबारा अपने जो एक झूठा इनका अहम था उसको जिंदा रखना चाहते हैं और इस देश में धर्म के नाम पर सैकड़ों सालों राज करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। संविधान रहेगा, संविधान से देश चलता है, संविधान से पार्लियामेंट चलती है, संविधान से सुप्रीम कोर्ट चलता है, संविधान से सारी संस्थाएं चलती हैं। आपके प्रिय बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागल धाम के, उनके जो भाई हैं वो दलितों की बारात में घुस जाते हैं तमंचा लेकर, तो फिर उन पर FIR भी होती है। एससी ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 में FIR भी होती है। उनको पर्ची नहीं निकाली गई उस पर धीरेन्द्र पर पर्ची नहीं निकाली गई, अपने भाई की पर्ची निकाल लेते। और मेरा ये भविष्यवाणी है, मैं भी भविष्यवाणी करने लगा हूँ आज तक उसको देख के 23 साल के आदमी को कि वो जेल जाएगा, जैसे आसाराम गया, जैसे राम रहीम गए, वो भी जेल जाएगा, देखना उसका भाई तो जेल जाने वाला है। तो इसका मतलब देखो बाबाओं के, हम ढोंगियों के पीछे पड़े हैं, आपको समझना पड़ेगा। पर वो तो चमत्कारी हैं, बाबा तो एक ही हुए देश के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये ढोंगी जितने लोग हैं जो अपने आप को ढावा बोलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की जगह जेल में है क्योंकि संविधान इनको आज़ादी नहीं देता है। संविधान हर व्यक्ति को आज़ादी देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास फैलाएगा तो उसके खिलाफ आप खड़े होंगे और उसको कानून की नज़र में। पर्चा बनवाना पड़ेगा। देखो पर्चा तो मैं बनवा चुका हूँ, मैं तो रात दिन ऐसे लोगों के पर्चे कटवाता हूँ और रात दिन जेल में भेजने का काम करते हैं। अभी वो बचकर आ गए महाराष्ट्र से, फिर दोबारा फंसेंगे तो फिर उनको अंदर डाला जाएगा, वो जेल जाएंगे, हमारी भविष्यवाणी है। अंबेडकरवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम जब धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? देखो धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे नहीं पड़े हैं, हम उस इंसान के पीछे पड़ते हैं जो इंसान इस देश में मानवता को खराब कर रहा है, जो इस देश में भाईचारे को खराब कर रहा है, जो अंधविश्वास फैला रहा है। अरे घर वापसी करवा, जो आदमी ये कह रहा है कि दो लोटा मतलब गंगा जल या दूध चढ़ाकर आपका बच्चा पास हो जाएगा, क्या वो अंधविश्वास नहीं फैला रहा है? वो कह रहा है कि भैया आपकी बीमारी दूर हो जाएगी मेरे बबूत खाने से, तो फिर हॉस्पिटल बंद करा दिए जाए और वहाँ एक महिला मर जाती है, तो वो आस्था नहीं है, वो पागलपन है। और ऐसे पागलपन के जो मुखिया है उसको जेल में पहुँचाना चाहिए। जब तक ऐसे मुखिया को जेल में नहीं पहुँचाया जाएगा ये पागल करते चले जाएंगे। कई लोग गायब हो रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पे, बिल्कुल गायब हो रहे हैं। मैं बता रहा, आप एक बहुत बड़ा षड्यंत्र निकलने वाला है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके पीछे सरकारें हैं क्योंकि सरकार को फायदा देते हैं। आपने देखा होगा एक और बाबा को, आपने राम रहीम को देखा होगा, आपने आसाराम को देखा होगा। आसाराम की जितनी भी सभाएं होती थी बीजेपी के सारे नेता जाते थे वहाँ, बड़े से बड़े, चाहे आडवाणी हो चाहे मोदी जी हो, सब लोग जाते थे। तो उन कहाँ गए? अब जेल में गए। और आज की डेट में भी धीरेन्द्र शास्त्री के वहाँ सारे बीजेपी के नेता जाते हैं। इट मीन्स कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रायोजित किया जा रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच बनाई जा रही है, जबकि ये देश भारत है, इंडिया है, इसको कोई भी हिंदुस्तान नहीं बना सकता। फिर और लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना, और लोग कहाँ रहने वाले हर आदमी हिंदू है। धीरेन्द्र के भाई भी बाबा बनने वाले हैं सर, लाइमलाइट हो गए हैं जिसने, देखिए मैं हिंदू नहीं हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे, क्या करोगे बताओ? आप हिंदू झूठ क्या करोगे बताओ? मैं इस देश को संविधान को मानता हूँ, मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ, बताओ नहीं हूँ मैं, क्या करोगे आप? अरे आपके यहाँ जातियाँ हैं, यहाँ पे 6,743 जातियों में बांट दिया आपने, कोई यहाँ ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई पठान है, कोई कुछ है, तो बताइए ना। जाति जाके सब में, तो जाति को तो वो कहते हैं, वो तो भगवानों में जाति निकाल देते हैं। हनुमान की जाति किसने निकाली थी? किसने निकाली हनुमान की जाति? हनुमान की जाति लोगों ने निकाली ना, ये भगवानों में जाति निकालते हैं। हिंदू नहीं है, शूद्र, उनको बेकार है, पिछड़ों को आप लोग। देखिए अब जिनको पता लग गया है, शूद्रों को पता लग गया कि शूद्र कौन है, सबको पता लग गया कि कौन बना रहा है। अब इनके सबसे बड़े जो ब्राह्मण है, जो RSS का सबसे बड़ा ब्राह्मण है, जो सब लोगों को मानता है, उसने भी, उसको भी कहना पड़ा कि जो जातिवाद जो बनाया है, जातिवाद ये ब्राह्मणों ने बनाया है, पंडितों ने, पंडित और ब्राह्मण एक ही है ना, अलग अलग है। आप देखिए सर को, कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, बात एक ही है, ब्राह्मण ही इस देश में पंडित है और पंडित ही इस देश में ब्राह्मण है। और जो जातिवाद और भगवान का निर्माण किया है वो ब्राह्मण ने किया है, ये हम अम्बेडकरवादी अच्छी तरह जानते हैं, इनके लोगों को आज ही पता लगा है। हम तो लोगों को समझाते आ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समझा दिया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और काम करने कहां से पैसा मिलता आप लोगों को? अब सनातनी कौन है, वो ठेका लें अपना कौन है? देखिए मैं भारत की बात करता हूँ, मैं संविधान की बात करता हूँ। आप संविधान की बात करेंगे तो अच्छी बात होगी, आप धर्म की बात करेंगे तो धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों को ज्यादा दिन तक गुलाम बनाया जा सकता है।
तो हम ज्यादा दिन तक लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे, हम उनकी आजादी की बात करेंगे। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़िए। आप फंडामेंटल राइट्स को तो पढ़ना ही चाहते, आप आर्टिकल 19 को पढ़िए, आप आर्टिकल 14 को पढ़िए, आप आर्टिकल 15 को पढ़िए। आप पढ़े ना, आप पढ़ने की तो बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र में सबको न्याय मिलेगा, पेड़ पौधों को भी न्याय मिलेगा। पहले भी तो मिलता था, अंगूठा काट लिया जाता था, न्याय बहुत मिला। अंगूठा काटा गया था ना, अंगूठा लेके आओ पहले एकलव्य का। हाँ, और अभी कौन है? अभी बहुत सारे लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है, अभी स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, वो क्या है? वो एकलव्य ही है आज की डेट में। सर वो तो द्रोणाचार्य है, बहुत सारे दक्षिण दिया था सर। देखिए वो तो गुरुदक्षिणा बोलते हैं। गुरुदक्षिणा में अंगूठा लेने वाले लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अब लोग जूते पहनने लगे हैं, तो गुरुदक्षिणा में जूते भी देंगे लोगों को। ऐसे गुरुओं को नहीं चाहिए हमको जो अपने स्टूडेंट का अंगूठा काटता हो। ये जातिवादी व्यवस्था के लोग, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को ताकत देता है, हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है, हर व्यक्ति को सशक्त बनाता है, हर महिला को सशक्त बनाता है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बनने का मौका देता है, अधिकार देता है। इनके ग्रंथ नहीं देते। इनके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है आपने पढ़ा? उस पर तो बवाल हो रहा पूरे देश के अंदर, मगर फिर भी कितने नालायक लोग हैं ये लोग कि अपने पूर्वजों की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वैसे भाई मानते हैं, वोटिंग के लिए भाई मांगेंगे, हिंदू बना लेंगे, मुसलमानों से लड़ना हो तो हिंदू बनाएंगे, अधिकार की बात हो तो हम शूद्र हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मना करके गए हैं। जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, वो संविधान राज की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।